मुष्टि। चारों उंगलियों को हथेली में टिकाकर ऊपर से अंगूठा रख देने से मुष्टि मुद्रा बनती है। स्थिर, गाल पकड़ना, वस्तु उठाना, मुल्लों का युद्ध आदि भाव के प्रदर्शन में यह मुद्रा प्रयोजित होती है। शिखर। मुष्टि मुद्रा में अंगूठा सीधा खड़ा कर देने पर यह शिखर मुद्रा बनती है। इसके द्वारा कामदेव, धनुष, स्तंभ, पितृकर्ण, लिंग आदि के भाव को दर्शाया जाता है। कपित्य। कपित्य। शिखर मुद्रा में तर्जनी उंगली को मोड़कर उसे अंगूठे के ऊपर अवस्थित कर देने से यह मुद्रा बनती है। इसके द्वारा लक्ष्मी, सरस्वती, नटों द्वारा ताल धारण, गो दोहन, अंजना लगना, फूल ग्रहण, धूप, घूंघट आदि के भाव को दिखाया जाता है। कटका मुख। कटका मुख। जब कपित्य हस्त में तर्जनी के साथ मध्यमा उंगली को भी अंगूठे पर टिका दिया जाता है तो ये कटका मुख मुद्रा कहलाती है। इसके द्वारा फूल तोड़ना, मोती का हार, पुष्पहार धारण करना, धनुष के मध्य खींचना आदि के भाव को दिखाया जाता है। सूची। कटका मुख मुद्रा में तर्जनी उंगली को सीधा कर देने पर सूची मुद्रा निर्मित होती है। इसका विनियोग एक परब्रह्म, सूर्य, नगर, संसार ऐसा ही यहां वहां आदि के भाव को दिखाया जाता है। चंद्रकला। सूची हस्त में अंगूठा मुक्त कर फैला देने पर यह मुद्रा चंद्रकला बनती है। इस मुद्रा का प्रयोग चंद्रमा, मुख, शिव जी का मुकुट, गंगा आदि के भाव को दिखाया जाता है। सर्पशीर्ष। पतक हस्त में अंगुलियों को झुका देने पर सर्पशीर्ष मुद्रा बनती है। चंदन, शर्फ, मंदधनी, पालन पोषण, देवता और ऋषि को जल देना, घड़ा उठाना आदि के भाव को प्रदर्शित किया जाता है।